भले आधा किलो लाए या 100 ग्राम लाए, मैं चक्की को चालू करने के 10 रुपए मिले। किसी ग्राहक के आपको गलती से बिगड़ गया मान तो लाके आपके चक्की के बाहर पटकेगा। अच्छा तो आप चक्की के बाहर बोर्ड लगा लो दोस्तों, हमारे यहाँ फ्री में पिसेगी जाती है। आप दोस्तों आप सभी का स्वागत है विश्वकर्मा टेक्निकल में। तो दोस्तों और भाइयों आज का वीडियो का टॉपिक है आटा चक्की के भाव के ऊपर, क्योंकि कल मैंने वीडियो देखा था सूर्य शक्ति कंपनी का जो कि भरत भाई ने बनाया था, बहुत ही बढ़िया जानकारी थी दोस्तों, आप जाकर देख सकते हो। 13 अगस्त का वीडियो है कल का वीडियो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया वीडियो दोस्तों उन्होंने बनाया हुआ है। तो उसी के टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी मैं भी वो जानकारी देना चाहता हूँ दोस्तों आपको। तो भाइयों और दोस्तों जो कम भाव में पीस रहे हैं ये वीडियो उन्हीं के लिए है दोस्तों। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ अगर आप सस्ते में पीस रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, ठीक है, उसी टॉपिक पर अपन अभी बात करेंगे। अगर आपका सारा कुछ फ्री है, मान लो आप लाइट बिल फ्री है, आपकी दुकान भी आपकी घर की है और आप सोच रहे हो जितना भी हम कमाएंगे हमारा खुद का होगा, क्योंकि बहुत भाइयों के क्या होता है सोलर होता है या किन्नी के मतलब ऐसा होता है कि अगर कुछ डायरेक्ट चला रहे हैं बिजली से वगैरह कुछ, अगर मान लो एक्स वाई जेड कुछ भी है या फिर किसी कारणवश उसका लाइट बिल नहीं आ रहा है तो भी वो सोच रहे हैं सारा कुछ हमको मिल रहा है। तो लेकिन ये सब आपकी गलत फहमी है दोस्तों, कितना ही सब कुछ फ्री होने के बाद भी आप लॉस में हो। कैसे है वो मैं बताऊं आपको। एक सबसे पहले मैं उदाहरण देता हूं, एक मजदूर होता है ना दोस्तों, मजदूर जो कि 9 से 5, 9 बजे जाता है और शाम को 5 बजे घर पे आता है, ठीक है ना, उसकी भी सैलरी 400 रुपए, 350-400 रुपए नॉर्मल है दोस्तों। बाकी जो कारीगर होता है वो 700-800 रुपए पर डे के कमाता है, और मजदूर 9 बजे जाएगा और अपटूडेट बन के जाएगा दोस्तों और साफ सुथरे कपड़े में वापिस शाम को घर पे आएगा और काम कितने घंटा करेगा वो दोस्तों आपको पता है, सिर्फ वो काम अगर ईमानदारी से काम करेगा दोस्तों 4 से 5 घंटा काम करेगा ओनली फॉर, ठीक है, और 4 से 5 घंटा काम करेगा क्योंकि खाना पीना वगैरह घूमना तम्बाकू गुटखा वगैरह खाना, ठीक है, तो ये सारा निकल जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा क्योंकि 4-5 घंटा ही काम करेगा जो भी वो भी ईमानदारी से काम करने वाला होगा दोस्तों, और 4-5 घंटा काम करने का वो पैसा लेके 400 रुपए लेके आएगा दोस्तों, वो भी खरी कमाई, यानी कि उसमें से एक पैसा भी उसका कोई वेस्ट होने वाला नहीं है। और आप चक्की लेके बैठते हो आप कितना कमाते हो मुझे बताइए, आपको मान लो आपका लाइट बिल फ्री है, ठीक है, सबसे पहले फ्री कैसे होगा, अगर आप बिजली चोरी से चला रहे हो तो आपको कभी न कभी फाइन लगेगा, ठीक है, तो उस समय उसका आपका सारा पैसा जो वसूला जाएगा। अगर आपने सोलर प्लांट लगाया हुआ है, क्या सोलर में आपका पैसा नहीं इन्वेस्टमेंट हुआ, पैसा तो लगा ही होगा ना, अगर वो पैसा आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाते तो उसका ब्याज नहीं बनता क्या, वो पैसा डबल नहीं होता, तो आपका पैसा तो लगा ही है ना, क्या आप चक्की ने खरीदी है ना, क्या आपने चक्की का सेटअप बनाया, क्या उसमें आपका पैसा नहीं लगा ना, वो पैसा आप बैंक में डाल देते तो उसमें ब्याज मिलता आपको, मिलता है नहीं मिलता, तो सारा कुछ खर्चा तो होता ही है ना दोस्तों। आप बोल रहे हो हमारा घर का है दुकान, अगर उस दुकान को आप किराए दो ना आपका पैसा नहीं आएगा आपको किराए, तो इंक्लूड करो ना उसके अंदर हाँ, और आप एक अच्छे कारीगर हो चक्की चलाते हो दोस्तों तो उसमें कुछ तो पैसा आपको मजदूर से ज्यादा मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए। और अगर आप सस्ता पीसते हो, मान लो आपने मैंने उदाहरण दिया 4 से 5 घंटा, आप 5 घंटा चक्की चला के कितना कितना कमा लोगे भाई, 5 घंटा चक्की चला के कितना कमाओगे, ज्यादा से ज्यादा आप 4 बोरी पीस लोगे गेहूं की है ना भाई, घंटे में कितना आ जाएगा, 4 बोरी गेहूं पीस लोगे आप, बहुत भाई 1.5 रुपया 2 रुपये पिसाइए, अब 1.5 रुपये के हिसाब से मानो तो 4 बोरी के कितने होते हैं 600 रुपये होते, 4 बोरी 400 किलो चक्की के अंदर डालना और फिर से निकालना, ठीक है ना, और 600 रुपया आपको मिला। अब उसके बाद में आपका खर्चा कितना हुआ, अगर कोई बेरिंग चला गया या बेल्ट टूट गया तो क्या होगा, मतलब आपके 600 रुपये में काम हो जाएगा क्या, मुझे बताइए आप, आपका स्टोन है, स्टोन की कोई गारंटी नहीं होती दोस्तों, ठीक है ना, भली ब्रांड से ब्रांड कंपनी ले लो, मैं सिकर के लिए बोल रहा हूँ, सिकर की ब्रांड कंपनी ले लो, क्योंकि उनकी गारंटी नहीं आती दोस्तों, कभी भी वो चला जा सकता है, ठीक है ना, अगर वो खराब हो जाएगा तो क्या पैसा नहीं लगेगा फिर से, तो कोई गारंटी नहीं लेता है, उसके बावजूद आप पीस के देते हो ना थोड़ा सा भी, बहुत गाँव में मैं जाता हूं तो वो 2 किलो 3 किलो लेके आते हैं, ठीक है, फिर पूछते हैं कितने पैसे हुए, तो क्या हमारे उधर तो 2 किलो के 3 रुपए लेते हैं, तो ऐसा क्यों, आप क्यों पैसे नहीं ले पाते हो, मिनिमम आप 10 रुपए रखो ना, हमारी स्टार्टिंग रेट है, मेरी अपनी खुद की चक्की पर मैं 10 रुपए से कम पिसता ही नहीं हूँ, भले आधा किलो लाए या 100 ग्राम लाए, मैं चक्की को चालू करने के 10 रुपए मिनिमम, ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपको ध्यान में रखो दोस्तों, क्योंकि आपका भले लाइट बिल नहीं आ रहा कुछ भी नहीं आ रहा लेकिन आपका खर्चा तो हो रहा है ना, हो रहा है दोस्तों, बेरिंग्स महीने है महंगे है दोस्तों, पार्ट महंगे है, चक्की महंगी है, आपका कितना मेंटेनेंस है, अगर किसी ग्राहक के आपको गलती से बिगड़ गया, मान लो आपने किसी के एक गेहूं का कट्टा पीसा, आपने 20 रुपए या 30 रुपए लिया और वो खराब हो गया मान लो है ना, तो लाके आपके चक्की के बाहर पटकेगा और वो ऐसे बोलेगा ये था हमारे गेहूं की, गेहूं चेंज गेहूं दो हमको या फिर पैसे दो,
ठीक है, तो फिर क्या रहेगा दोस्तों आपका, यानी आपनी आपकी कमाई तो उसमें चली गई ना। तो दोस्तों आप गारंटी से काम करते हो, ग्राहक नहीं समझते हो आप, तो है ना ये सोचा हुआ है कि हम सस्ता पीस रहे, इससे अच्छा तो आप चक्की के बाहर बोर्ड लगा लो दोस्तों, हमारे यहाँ फ्री में पीसे की जाती है। आप 500-600 रुपए कमा के क्या नौ की तेरा कर रहे हो, और 500-600 में मिलेगा क्या आपको? जीरो ही हो रहा, वो सारा 500-600 रुपया मेंटेनेंस में जा रहा है और मेंटेनेंस आपकी जेब से लग रहा है, क्योंकि आपने पहले जो इन्वेस्टमेंट किया है, चक्की को खरीदा है, सेटअप बनाया है, लाइट बिल के लिए कनेक्शन लिया है या फिर सोलर के लिए लगाया है, तो वो पैसा तो आपने डुबो दिया, क्योंकि उसका ब्याज भी आप वसूल नहीं कर पा रहे हो दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी बातें आपको ध्यान में रखो, और अगर मेरी बात बुरी लगती है लग रही है दोस्तों, तो मैं आपको दिल से सॉरी बोल रहा हूँ, लेकिन आप इस सारी चीजों को सोचो। जमाना दोस्तों बहुत चेंज हो चुका है, काफी जगह मतलब काफी अच्छी रेटें ले रहे हैं दोस्तों, और चक्की के बारे में छोड़ो, आप मार्केट में आप सब्जी लेने जाओगे या किसी भी शॉप पे चले जाओगे तो हाईएस्ट रेट मिलेगी दोस्तों आपको देखने को, ठीक है ना। आप भावता भी नहीं कर पाओगे दोस्तों, किसी भी कैटेगरी में चले जाओ आप, इतनी हाईएस्ट रेट है दोस्तों, बहुत ही महंगाई हो चुकी है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप रेट को चेंज करो। और जो एसोसिएशन की बात कर रहा हूँ दोस्तों, एसोसिएशन में बढ़िया है, लेकिन बहुत भाई क्या होते हैं एसोसिएशन में मीटिंग तो कर लेते हैं लेकिन फिर से वो मनमानी करते हैं। तो दोस्तों जब तक आपको वीडियो में के माध्यम से आपको ये समझ नहीं आएगा कि हम गलत कर रहे हैं, तब तक आपको कुछ आपका कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। तो ये बात आपको ध्यान में रखो, हम मेरी बात जो मैंने बताई और भरत भाई ने जो बात बताई उनका वीडियो आप देखो दोस्तों। हमारा वीडियो थोड़ा बोरिंग लगता है दोस्तों, लेकिन जो होती है सच्चाई वो सच्चाई बताते हैं। भरत भाई ने बहुत काफी अच्छी बात बताई, आप एक बार जाकर उनका वीडियो भी देखिए दोस्तों, बहुत बढ़िया बात बताई उन्होंने, एक सच्चाई बताई दोस्तों चक्की वालों के लिए। और आप जो भाई भाव बढ़ाना चाहते हैं लेकिन बढ़ा क्यों नहीं पाते हैं, कारण वो कि एक दो चक्की वाले ऐसे होते हैं कि उनके वो भाव कम रखते हैं, तो उनकी वजह से वो बढ़ा नहीं पाते, उन्हीं के कारण दोस्तों मतलब सारे दूसरे चक्की वालों को लॉसेस होता है दोस्तों। तो दोस्तों आप कोशिश करो, मीटिंग बनाओ और मीटिंग के अंदर ऐसा कुछ ग्रुप बनाओ मीटिंग के अंदर, और सजेशन करो उसके ऊपर प्रेशर रहे, जो रेट कम में पिस रहा उसका प्रेशर रहे काफी, मतलब उसके ऊपर निगरानी रहे, ऐसा कुछ करो तो आपका चक्की में दोस्तों दो पैसा मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो का कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएंगे।